नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रश्नावली 13.1 प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, दो सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। दो सहकेंद्रीय वृत्त दिए हुए हैं। सहकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है जिनका केंद्र एक ही हो। दो जो आपके वृत्त है उनका केंद्र एक ही हो। जैसे मान लीजिए हमें ये दो सहकेंद्रीय वृत्त दिए हुए हैं जिनका जो केंद्र है वो एक ही है। ये दो सहकेंद्रीय वृत्त हो गए। अब इनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें जो है उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब ये जो बड़ा वृत्त है इस पर एक जीवा खींची हुई है जो इस छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि इसके लिए, छोटे वृत्त के लिए तो ये स्पर्श रेखा होगी, जबकि बड़े वृत्त के लिए ये किसका काम करेगी? जीवा का काम करेगी। ठीक है, और इनकी त्रिज्याएं हमें दी हुई है, तो इनकी अब त्रिज्याएं खींच लेते हैं अपन। तो देखो, एक त्रिज्या तो हमारे पास में ये हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी त्रिज्या यहाँ पर स्पर्श करती है, दूसरी त्रिज्या हम यहाँ बना सकते हैं। तो जो छोटी वाली त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर और जो बड़ी त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। और इस जीवा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। हम एक बात जानते हैं कि किसी भी वृत्त की जो जीवा है वो केंद्र को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। अगर मैं इसको नाम दूँ ओ ए बी, या इससे नाम देते हैं अपन सी बी ए बिंदु, तो ये हमारे पास में हो गया सी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ओ सी जो है वो लंब है ए बी पर। ओ सी जो है वो है लंब ए बी पर। इसके साथ ही जो ए सी है वो बराबर है बी सी पर। किसके कारण है? कि हमने जो प्रश्नावली पढ़ी है 12, ठीक है, उसमें एक प्रमेय के अकॉर्डिंग जो वृत्त की जीवा होती है वो केंद्र पर सदैव क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, ये प्रमेय के कारण हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये जो जीवा है इसके जो मध्य बिंदु, अगर मैं कुछ भी मान लेता हूँ, ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं एक तरीके से जो ए बी है, ए बी है ये पूरी ए बी, वो किसके बराबर होगी? ए सी प्लस सी बी के बराबर होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर ये समकोण है ना, 90 डिग्री हमने माना, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ त्रिभुज ओ सी बी में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है? आधार ज्ञात करना है। तो आधार को यहीं रखते हैं अपन, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपको याद रखना, तीन सूत्र आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर कर्ण पूछे तो इनके वर्गों का योग कर दो, आधार और लंब का। अगर आधार पूछे तो कर्ण स्क्वायर में से घटा दो लंब स्क्वायर को। अगर लंब स्क्वायर पूछे तो कर्ण स्क्वायर में से घटा दो आधार स्क्वायर को। तो आपको खाली सिर्फ जो है एक ही सूत्र याद रखना है, और वो सूत्र याद रखना है आपको प्रश्न संख्या 3 के लिए, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या है मेरे पास में? सी बी, तो सी बी का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है मेरे पास? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो सी बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो सी बी स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गया 16। ठीक है, तो सी बी बराबर ये वर्ग है, इधर आएगा वर्गमूल हो जाएगा रूट 16, यानी कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, सी बी हमारे पास है, हमें ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी जो है, अब देखो सी बी और ए सी यहाँ पर बराबर है, क्योंकि ये इसका क्या करता है? लंब समद्विभाजन करता है। मैंने यहाँ पर ए सी बराबर बी सी लिखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए सी प्लस बी सी। अब ये दोनों बराबर है, तो अगर ए सी 4 है, ठीक है, ए सी अगर 4 है तो बी सी भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, और 4 और 4 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर।
यानी जो ए बी की लंबाई आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। चलो अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो हमारे पास में एक वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। अब इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचनी है अपने को, इस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। ये स्पर्श रेखा हमने खींच ली, मान लीजिए ये इसकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, और हम जानते हैं किसी भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब होता है, यानी स्पर्श रेखा के बिंदु को मिलाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है। अब अगर ये O ले लेता हूँ, ये A ले लेता हूँ और ये B ले लेता हूँ, तो हमें जो है ये त्रिज्या ज्ञात करनी है, और ए बी जो है स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ओ बी है, ठीक है, वो लंब है ए बी पर, यानी वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो त्रिभुज ए ओ बी में हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, और हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है, सॉरी हमें लंब ज्ञात करना है। तो हमें लंब ज्ञात करना है, तो ओ बी का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अच्छा एल क्या है, ओ बी, ओ बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है 10 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर बराबर 10 यानी कि 100, 10 × 10 माइनस 4 × 16, ठीक है। तो ओ बी स्क्वायर बराबर 100 में से 16 गए 84 सेंटीमीटर। हमें चाहिए ओ बी, तो ओ बी जो है वर्ग है, इधर आएगा वर्गमूल हो जाएगा यानी √84। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √4 × 21, क्योंकि 21 चौक जो है 84 होता है, ठीक है। अच्छा तो ओ बी बराबर, देखो 4 जो है उसका वर्गमूल होता है 2, तो 2 बार आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 21, तो जो त्रिज्या आएगी वो आएगी √21 सेंटीमीटर या √84 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, एक ओ केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं को अंत स्पर्श करता है, यानी जैसा प्रश्न कह रहा है पहले अपन वो करते हैं। एक हमारे पास ओ केंद्र वाला वृत्त है कुछ इस प्रकार से, ये वृत्त हो गया, मान लीजिए इसका केंद्र हो गया ओ, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाओं को अंत स्पर्श करता है, ठीक है, यानी अंदर से अंत स्पर्श करता है। इस प्रकार से ले लेते हैं अपन इसको, ये जो है इस प्रकार से इसको स्पर्श कर रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी, ये इसको स्पर्श कर रहा है। तो अगर ये ए बी सी और डी है, अब क्या कह रहा है, आगे चारों भुजाओं को अंत स्पर्श करता है यदि ए बी को स्पर्श बिंदु 3/1 भाग में विभाजित करें, ठीक है। ये जो ए बी है उसका जो स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु हो गया, वो दो हिस्सों में विभाजित कर रहा है, एक तो 3/1 यानी हम कह सकते हैं 3:1 में विभाजित कर रहा है, और ए बी की जो कुल लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें अभी भी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको, इसे हम देखो क्या करना है इसमें, अगर मैं स्पर्श बिंदु और केंद्र बिंदु O को मिलाऊं, तो ये इस पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर त्रिज्या का काम भी करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है,
यहाँ एक बात और दी हुई है, ए ओ जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी अब हमें ए और ओ को मिलाना पड़ेगा, और ये हमें दिया 10 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास हो गया आर। आर यानी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये तीन हिस्सा दे रहा है और ये एक हिस्सा दे रहा है, तो हमें ये अनुपात दे रहा है, तो हमें ये भुजा निकालनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ पी, ठीक है। अब सबसे पहले जो है ओ पी जो है वो लंब है ए बी पर, ये बात हमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तभी तो हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कहेंगे इसको। समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है, यहाँ, ठीक है। ये बात जाननी जरूरी है, क्यों? क्योंकि जो है वृत्त का केंद्र और स्पर्श बिंदु जो है हमेशा वो एक दूसरे पर लंब होते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा पर ये लंब होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब क्या करें, अब यहाँ पर हमें भुजा निकालनी पड़ेगी जो ए पी है। ए पी कैसे निकालेंगे कि कुल में आपको कुल का भाग देना है। कुल में आपको कुल का मतलब ये हो गया कि कुल लेंथ कितनी है, ये 8, उसको आप लिखो नीचे, ठीक है। अच्छा, कुल अनुपात कितना है, 3 और 1 4, तो 4 को लिखो यहाँ पर। कुल में कुल का भाग दे दिया, यानी कुल अनुपात और कुल भुजा का अनुपात दे दो। अब ये तीसरा हिस्सा है, अगर ये लेंथ मुझे निकालनी है तो 3 से गुणा करूँगा, और ये लेंथ निकालनी है तो 1 से गुणा करूँगा। अब मुझे 3 वाली लेंथ निकालनी है तो मैं 3 से गुणा करूँगा, ये थोड़ा याद रखना आप। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, आया 3/2। अब 3 में 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2, पीछे बचा 1 0.5 सेंटीमीटर, यानी ये आपके जो हिस्सा आया वो आया 1.5 सेंटीमीटर। ए पी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें आर ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, देखो कुल अनुपात नीचे आएगा, ठीक है, और कुल संख्या ऊपर आएगी, और 3 का गुणा करना है, यानी अनुपात नीचे रहेगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 6 सेंटीमीटर, यानी ए पी जो आएगी हमारे पास में वो आएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए ओ पी में, क्या ज्ञात करना अपने को, नीचे वाली भुजा, और नीचे वाली भुजा हम कितनी लेके आए, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आधार अपने को ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना है, 6 का स्क्वायर, सॉरी हमें लंब ज्ञात करना है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अच्छा, लंब स्क्वायर क्या है, आर का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, 10 का स्क्वायर, माइनस आधार कितना है, 6, ये हमने निकाल दिया है ना, 6 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, तो आर स्क्वायर बराबर 100 में से 36 गया, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 3 गया 6 64, ठीक है। अब यहाँ पर ये वर्ग है, इधर आएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो आर बराबर √64, और 64 का वर्गमूल होता है 8 सेंटीमीटर, यानी जो त्रिज्या आएगी वो आएगी 8 सेंटीमीटर। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।